जय हिंद दोस्तों, आज हम अपनी आईफा टीम के साथ प्रधान जी हैं जसवीर जोनी जी, जो प्रचार कमेटी के प्रधान हैं, हरविंदर पंडाली मेरे सहयोगी, और अंकुश जोली जो हमको यहाँ पर लेके आए हैं, और नासिर जी हैं यहाँ बटोट रामबाण डिस्ट्रिक्ट है जम्मू में। तो इन्होंने फार्म शुरू करना है, तो हमने किए हुए तो बहुत दिखाए हैं, लेकिन आज कुछ नई बातें लेकर के यहाँ पर आए हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे करना होगा और ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनकी प्लानिंग कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है, तो आप भी सब बातों को गौर से सुनना, फिर दोबारा आएंगे जब ये यहाँ पर अपना सेटलमेंट सही कर लेंगे 15-20 रोज के बाद में, तो फिर कैसी इनकी खरीदारी रही वो सब बातों के ऊपर फिर बात करेंगे। तो क्या प्लानिंग की है? अभी तो प्लानिंग की हुई है पहले स्मॉल स्केल से फिर लार्ज स्केल पर जाने की। कितने से शुरू करोगे? 5-7 से ही शुरू करूँगा। तो ये इसके ऊपर कितना खर्चा आया है? इसके ऊपर आ गया है 5-6 लाख के बीच में। तो अभी तो सारे कच्ची मिट्टी के दीवारें हैं, तो भी लेकिन उसके ऊपर भी तो लगा हुआ है, लकड़ी लगी है, टीन वगैरह लगी हुई है। अब इसको ये मिट्टी वाला जो पोर्शन है इसको क्या करोगे? इसको भी मिट्टी की लिपाई होती है, जिससे जो है ठंड वगैरह जो है ढक जाती है, अंदर गर्म रहता मतलब है। इसको आगे करोगे इसके ऊपर कंप्लीट? कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? और 10-12 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जब वहाँ से आए थे आज, तो वहाँ पर 46 टेम्परेचर था और यहाँ पर 26 है। तो अब ये कहते हैं बर्फ भी यहाँ पड़ती है, तो HF गाय के लिए बहुत बढ़िया है। और ये आपने ट्रेनिंग वगैरह ली कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं कहीं। तो फिर कैसे करोगे? जब इंसान खुद स्मॉल स्केल से स्टार्ट करेगा तो वो सीख ही लेगा। दो बातों के लिए हम रोकते हैं जी। एक तो हम कहते हैं कि ऑनलाइन मत खरीदो जी। अब खरीदोगे मुझे लगता है आप ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन क्यों खरीदेंगे? हाँ। हम खुद जाके खरीदेंगे, उससे हमें भी थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा हम कहते हैं कि ट्रेनिंग करके आना। वो आपने वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे बात आपकी। नहीं, ट्रेनिंग तो हम अपने आपसे लेंगे, खुद ही सीख के लेंगे। जॉलीबेट मेरे पास रहेंगे 10 दिन इनके साथ, तो मतलब कि 5-7 दिन इनको अच्छे फार्म में लेके जाऊंगा। वहाँ पे फीडिंग का मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है, गायों का मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है, फीडिंग फॉर्मुलेशन वगैरह सारा समझाएंगे इनको, और एक केयर टेकर भी प्रोवाइड कराएंगे जो मतलब के कुछ दिनों के लिए इनकी हेल्प करेगा। कितनी जिम्मेदारी उठाते हो? यहाँ तो मौसम ठंडा है, भांपने वाली बात भी नहीं है, स्ट्रेस वाली बात भी नहीं। देखिए, पता क्या बात होती है, सिर्फ स्ट्रेस ये चीज़ें नहीं मायने रखती कि हम किस प्रकार गायों को संभाल रहे हैं, खान पान दे रहे हैं, वो बहुत मायने रखती फीडिंग है। फीडिंग कहाँ से अरेंजमेंट कराओगे? फीडिंग का अभी रिसेंटली इनको मैंने साइलेज वाले का भी नंबर दिया, जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं फीड के, उनसे भी मैंने कॉन्टेक्ट करवाया है। तो मतलब के क्या रेट बताया उन्होंने? अभी तो रेट वगैरह की कोई बात नहीं हुई है, बाकी जो पंजाब के और यहाँ से होगी सीक्रेट होगी? नहीं नहीं, ओपनली होगी। तुम्हारा कुछ होगा भी? नहीं नहीं, मैंने नंबर ही इनको दे दिया, सीधा इनकी डायरेक्ट बात होगी। मेरा कोई जब वो खरीदेंगे हमें कुछ सर देखिए, मैं इतना कारोबार करके अगर पेट नहीं भरेगा तो फिर इतने से पेट भर जाएगा, वो बात नहीं है। मतलब के तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि इनको पूरा सक्सेस करने की जिम्मेवारी है कि देखिए सर, अभी भाई है, अब अंदर हमने शेड देखा है। हाँ। कितना बड़ा है, कम से 40 गाय आ सकती है इसके अंदर। हाँ। तो ये तो 60 फुट से ज्यादा है, क्या साइज है इसका? 70x22 22 फुट। तो आप हिसाब लगाओ, इसमें कम से कम 40 गाय आराम से आ सकती है। तो अभी ये 5-7 गाय ले रहे हैं। अच्छा। तो वही बात होगी ना, वो बंगाल वाले लड़के जैसी के, मतलब कि ये 5-7 में अगर सक्सेस होंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये बोलेंगे कि यार इस काम में कुछ लेना देना ही नहीं है तो छोड़ दो। जसवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखो, आपका हमारे साथ आना जितना महत्वपूर्ण है जी, उतना अंकुश का नहीं है। ऐसा क्यों मान जाए? नहीं नहीं, ऐसा क्यों? अब बात ये है कि आप तो ज्ञानी हैं, आप किताब हैं एक, उनको भी नॉलेज है, अंकुश को लेकर वो आपसे ली हुई है। चलो जैसे भी नॉलेज तो हो गई ना, काफी टाइम वो परशुराम वाली शक्ति अब कभी वापस ले सकते? नहीं नहीं, वापस तो नहीं, अब तो उसके पास चली गई, अब वापस कैसे आएगी? अच्छा, तो ये बताओ कि अब ये नासिर जी जो है गाय ला रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो कैसी गाय इनको रखनी चाहिए?
देखिए इन्होंने जैसे पहले डिसीजन इन्होंने लिया 7 गाय का, जो बहुत रिस्क मेरे हिसाब से 5-10% है, ज़्यादा 90% रिस्क नहीं है। 7 गाय का इनको अभी क्लाइमेट अभी बहुत, अभी देखो आज अभी पंजाब में इतनी गर्मी है और यहाँ 26 टेम्परेचर है, तो वहाँ से यहाँ गाय आएगी तो ज़्यादा सूटेबल रहेगी क्योंकि क्लाइमेट सूट करेगा। और दूसरा, 7 गाय को एक आदमी, कोई घर का ही आदमी हैंडल कर सकता है। अगर ये पहली बार में 20-25 ले आते फिर इनको प्रॉब्लम हो सकता था, तो इनको 2-3 गाय जनी हुई दे देंगे, तो 2-3 गाय प्रेगनेंट दे देंगे, तो ज़्यादा इनको कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। और वहाँ 3-4 दिन रहेंगे तो काफ़ी जानकारी हम इनको दे देंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। और केयर टेकर एक हफ्ता के बाद लगा दे, हाँ जी, तो समझो कि किताब इन्होंने आधी पढ़ ली। बिल्कुल। और जो दूसरा पॉइंट है, जो केयर टेकर हम इनको देंगे ना, अभी तो पंजाब में ज़्यादा गर्मी है ज़्यादा, और हमारे पास 3-4 केयर टेकर अभी बैठे ही हुए हैं, जो तो अगर सीजन का टाइम होता, अभी तो ऑफ सीजन जैसा है, सीजन का टाइम होता तो उनके पास भी टाइम नहीं रहता, तो 5-7-10 दिन इनके पास लगा देंगे ना, तो इनको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा इशू होगा नहीं। और फीड का इनको बता दिया है, मेडिसिन का हम वहाँ आएंगे तो सब समझा देंगे, साइलेज का इनको बता दिया है, और बीच में नहीं बोलना, शेड भी इनका देखा है हमने, 1-2 चीज़ें जो इनका जो इन खाना जो खिलाने के लिए घमान है, हाँ। वो भी हमने इनको ग्राउंड लेवल बता दिया है। अच्छा। तो ग्राउंड लेवल जैसे ग्रेजिंग करती है गाय, नेचुरल तरीका है ना, घास चरती है जैसे, तो ऊंचा नहीं इनको बनाना है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल रखेंगे, तो नेचुरल तरीके से जैसे घास गाय खाती है वो ज़मीन लेवल रहेगा, तो गाय को खाना पचाने में आसानी रहेगी। ये डिज़ाइन आपको ठीक लगा? बहुत अच्छा डिज़ाइन है, और ऊपर इन्होंने बाकी जो चारा वगैरह स्टॉक करना है वो भी अंदर रहेगा, और अंदर यहाँ तो गर्मी है नहीं, गर्मी में गाय को प्रॉब्लम है, यहाँ तो ज़्यादा ठंड रही। कैसे पहुँचाएंगे चारा? तो कोई ना कोई हेल्पर होगा तो पहुँचा देते हैं, इनसे बात हुई है, बोलते हैं हेल्पर यहाँ मिल जाती है लेबर, तो वो सब स्टॉक करेंगे। अगर इसकी बजाय, हाँ जी, तो वो ऊपर वाला पोर्शन बगल में ही बना लेते तो वहाँ चारा आ जाता, तो फिर कैसे? वहाँ भी आता है, ये ऊपर इनका जो पहाड़ी एरिया है वहाँ ऐसे ही शेड बनते हैं, वहाँ सीधे जैसे पंजाब में ऐसे नहीं बनते, तो यहाँ झोपड़ी जैसी होती है ऐसे ही शेड बनते हैं, तो वहाँ स्पेस खाली है। जरा तो आपसे बाद में बात करें, पहले लो जी इनसे बात भी कर लें। जरूर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। ज्यादा गुस्से वाले? नहीं नहीं सर, हाँ। नहीं ऐसी बात। तो कितना पढ़े हो? मैं बी कॉम हूँ सर। अभी बी कॉम हूँ? जी बी कॉम हूँ। तो अब इस काम में? ये मेरे भाई का काम है, मैं बेसिकली, मेरी सौ मिल है, मैं लकड़ी का काम करता हूँ। जी जी जी। कमाई होती है? गुजारा हो जाता है। तो इसमें भी शेड डालोगे? नहीं इसमें नहीं डालेंगे, मैं अपना शेड बना रहा हूँ यहाँ पे, हाँ। मेरी भी जमीन है साथ में, तो अब फर्दर देखते हैं क्या स्कीम बनती है। जी जी जी। पहले एक आदमी सक्सेस है जो है ना, उसको देख के अगर प्रॉफिटेबल होगा, हाँ। उनको लगेगा, तो फिर इनको अपने आप बोलेंगे कि इन्होंने किया है तो हमको भी करना है। इनको यहाँ पर कितना डिपेंड रह सकते हैं चारे पे? ये नहीं, साइलेज ही मिल जाएगा ना, साइलेज वाले का दे दिया। नहीं, अगर जैसे ये छोटी गाय रखते हैं तो वो ऊपर आ सकती है? छोटी गाय तो अपने आप यहाँ आती ही है, तो एक बार में लाने की थोड़ी दिक्कत। दूध वाली होती है वो छोटी गाय? तो क्या दूध देगी, 8-9 लीटर दूध देगी? उसमें तो प्रोडक्शन है ही नहीं, जितना खाएगी उतना उससे कम निकालेगी, उससे तो कुछ फायदा नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं है। इनको जो है फीड का इंतजाम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ब्रीडेड गाय लेनी पड़ेगी। क्या जानकारी इनको और जरूरी चाहिए? देखिए, जो इनको वैक्सीनेशन हम कर देंगे, जो करने वाला वहीं पर, दूसरी दवाइयों के बारे में इनको, जो कथरी है वो उसके बारे में इनको बता देंगे कि वॉर्म्स के लिए डीवॉर्मिंग करना, और ब्लड सैंपलिंग करा देंगे इनकी, जो वहाँ हम सभी गायों की करते हैं, तो ऐसे जो भी इशू गाय को होते हैं वो। अभी तो हम भी फ्री हैं एक तरह से, ऑफ सीजन चल रहा है, ज़्यादा काम हमारे पास भी नहीं है, अभी 1.5 महीने बाद सीजन स्टार्ट होगा, बारिश के साथ ही, जैसे ही बारिश आएगी तभी स्टार्ट होगा, तो अभी तो हम फ्री हैं, तो इनको अच्छी तरह से कोई भी ऐसा कुछ होगा कि यहाँ का पानी या यहाँ का कुछ बहुत सूटेबल है उनको शूट ना करे? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा क्लाइमेट, बहुत अच्छा सूटेबल है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी बात है। गर्मी जब भी गाय कोई दूसरी स्टेट में जाती है तो वहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वो प्रॉब्लम करती है, ये तो बहुत सूटेबल अभी से ही है। मई में 26 टेम्परेचर है, तो गाय तो यहाँ आकर और भी ज़्यादा जो स्ट्रेस होगी वो भी दूर हो जाएगी उसकी। ज़मीन और कितनी है यहाँ पे?
जमीन तो हमारी काफी है यहाँ पे, लगभग कोई 90 कनाल के आसपास होगी सारी यहाँ पे हमारे ऊपर। 90 कनाल? हाँ। खेती करते हो? नहीं, खेती नहीं करते हैं उसमें। तो सब ऐसी है? ऐसी। ये सामने पेड़ लगा हुआ है, ये सेब का दरख्त? सेब का है। कितने पेड़ हैं सेब के? सेब के दरख्त तो बहुत सारे हैं, 300-400 का। कितने बेच लेते हो? बेचते तो है नहीं, कहीं दिल कर दिया बेच दिया, नहीं तो खुद ही खा लेते हैं। इतने 400 पेड़ के खा जाते हो? सभी ले जाते हैं, अब जो कोई मांगता है उससे क्या ही ना करेंगे, उसको बोलते हैं ले ही जा तुम, ले जाओ। हाँ। अच्छा, अभी रिसेंटली लगाए होंगे ना, ज्यादा बड़े नहीं है सेब के पेड़? अभी इसी लेवल के हैं। तो इसको मतलब कि तुम तरतीब से लगाओ ना, अच्छी किस्म वाले लगाओ। नहीं ये है, लेकिन इस बार थोड़ी बारिश नहीं हुई ना, उसकी वजह से फूल वगैरह गिर गया। उनकी वीडियो बनाई तो वो उन्होंने, उनके पास वो हरा जो ग्रेनेज स्मिथ का वो आया ग्रेनेज करके सेब, तो उसके उन्होंने बहुत पौधे लगाए हुए हैं, तो उनके पास 27 किस्म के सेब लगे हुए हैं। तो जमीन आपके पास तो 90 कनाल है, उनके पास 90 कनाल से 80 कनाल ही होगी। तो उसमें एक बात ये बताई कि वो कहते 1 करोड़ रुपये मैं साल का कमाता हूँ। हाँ वो तो, और लैंड रोवर गाड़ी लेके आए, उसके ऊपर स्टेटस पर डालते हैं, तो आप भी डाल दोगे? नहीं वो बात नहीं है, एक्चुअली मैं जो आजकल सेब की किस्में चल रही है ना, हाँ। उनकी लाइफ, दरख्त की लाइफ कम है, नहीं, 2-3 साल। 80-80 साल के पेड़ हैं उनके पास। हाँ, जिनके ऊपर उन्होंने ग्राफ्टिंग की है। नहीं, जो बड़े बड़े हम आपकी मदद कर सकते हैं वहाँ से, तो आप करवा दो। 27 किस्म के सेब हैं, जो थोड़ी ऐसे ऐसे वीडियो आप देखना कि होंठ चिपक जाएंगे खाएंगे, तो इतने मीठे हैं। कोई नहीं, आप अरेंज करवा देना, लगवा देंगे थोड़े से। खिला रहा हूँ सर कभी? हाँ आप मेरे साथ चलो, खिला देंगे। तो मैं वो ये बता दो जी कि कितनी भाई बंदी दिखाओगे इनके साथ? अच्छी तरह पूरी दिखाएंगे जी। हाँ। जो फर्ज है वो पूरा करेंगे। औरों को बताएं। देखिए सर, अपनी तो कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छे एनिमल प्रोवाइड कराना, ठीक है जी, यहाँ तक अच्छी तरह पहुँचाना, ट्रैवलिंग में पूरा इनका साथ देना। जब यहाँ पे आते 8-10 दिन तक, मतलब कि केयर टेकर हो वो पूरा केयर करे, इनको समझाए, पर कुछ अब इनके हाथ में है, आगे तो केयर इनको ही करनी पड़ेगी ना, कि हम जब तक हो सकता है हम तब तक साथ दे सकते हैं। इन केस कोई गाय बीमार होती है, कोई कुछ भी है, 24 घंटे फ़ोन चालू रहता है, हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग में दिखा सकते हैं, उसकी दवाई वह बता सकते हैं, जहाँ तक हो सकता है उतना कर सकते हैं। बाकी कुछ अपनी भी किस्मत होती है, ये है कि जेन्युइन रेट में, बाज़ार से जेन्युइन रेट में गायें दिला सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं हम जी। तो जोनी जी, आपने 7 गाय तक का तो वो उसे बता दिया। हाँ जी। अब इनको गाय चाहिए होंगी 30-35 वाली। हाँ जी। तो उसके लिए क्या सुझाव दोगे? 30-35 लीटर वाली, 25 वाली, 30 वाली, जैसी चाहिए इनको गाय तो मिल जाएगी। गाय की जैसे भी बोलेंगे वो तो, अगर ब्रीड में जैसे दिलवाते, ब्रीड में ही मिलेगी। तो अंदाजन कितने पैसे की मिल जाएंगे? ये 30 के ऊपर जाना है तो 1 लाख से ऊपर जाना ही पड़ेगा ब्रीड में। हाँ जी, प्योर ब्रीड में। तो उस गाय की मतलब क्या विश्वसनीयता होगी, गारंटी क्या होगी? गारंटी देखिए, उसकी एज पहला मैटर करता है कि उसको पहले दूसरे वेतर की हो, तो इनके पास लंबा टाइम रहे, 10-12 वेतर जो उनका दूध निकाले, ठीक है। उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बॉडी वेट पूरा, बॉडी स्कोर, बॉडी वेट बिल्कुल सही हो, ये चीज़ें देखने वाली हैं। ब्रीड देखने वाली है, तो दांत आपको पता ही है, 2 दांत 4 दांत 6 दांत गाय लेंगे दांतों में, तो लंबा टाइम 10-12 वेतर इनके पास आराम से रहेगी। कीचड़ों की प्रॉब्लम जो नीचे रहती है यहाँ भी रहेगी? नहीं, यहाँ पे बहुत कम रहेगी, इधर कम रहती है। क्योंकि अच्छा, सर्दी के मौसम के कारण, ठंडे मौसम के कारण कम रहेगी। वो जो कीचड़ है ना, वो ज़्यादा उसकी बॉडी से ही हो जाते हैं, उसके पसीने से ही, तो गर्मी तो है नहीं, तो अगर इनको यहाँ नहीं होगी, यहाँ कम होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, होते हैं, जैसे तो अगर हो जाते हैं तो क्या इलाज होगा? हर 3 महीने के बाद इनको आइवरमेक्टिन देना पड़ेगा। तमाम जो जड़ी बूटियाँ किसी काम आएंगी? नहीं, ये इसका जड़ी बूटी का उससे कुछ लेना देना नहीं, वॉर्म्स का अलग है वो। हाँ। उनको एक तो डीवार्मिंग करनी पड़ेगी, और जो कतरी का इंजेक्शन है वो इनको हर 3 महीने में लगाना ही पड़ेगा। और वैक्सीन कौन कौन सी देनी होगी इनको? वैक्सीन IFMD तो हम कर देंगे 6 महीने के लिए। अच्छा। तो उसके बाद फिर इनको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ब्लड सैंपलिंग करा देंगे, ब्रोलोसिस टेस्ट करा देंगे, वो सब कुछ करवा के नहीं, फिर अगर जैसे AI करते हैं। हाँ जी। ले आए साल के बाद जो है प्रेग्नेंट द्वारा करेंगे। हाँ जी। तो वो कैसे फिर होगा? वो तो इनके डॉक्टर जो AI कर्मचारी है इनका जो इधर, उस पर डिपेंड करेगा। सेक्सुअल सीमेंट के लिए सुझाव दो? नहीं, अभी तो इनको नॉर्मल पे ही रहने दो पहले। नहीं, मैं आपके हवाले से और लोगों को बताना चाहता हूँ। हाँ जी। जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सेक्सुअल सीमेंट का सुझाव देंगे? सेक्सुअल सीमेंट अभी तो पहले इनको नहीं करना चाहिए, नए नए में, बाद में जो इनकी गाय अच्छी है, बेस्ट है, जिनको
कंसीव रेट जिनका अच्छा है तो उसमें कर सकते हैं आप? कहा कब? तो ये किताब एक साइंस की किताब है। कौन सी? ये एचएफ गाय। एचएफ गाय क्या है कि इसको अगर लेना है तो थोड़ा इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फिर आप इसको परचेज कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ज़्यादा आपको। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम, अभी हम फ्री हैं, कई बार हमारे पास भी टाइम नहीं होता, हम भी ज़्यादा बिजी रहते हैं तो उतना हम नहीं बता पाते। अगर एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन वहाँ रहेंगे तो ज़्यादा। जम्मू में जाए गाय, हम तो देख रहे थे टेम्परेचर वहाँ पर 42 था। हाँ जी। तो हाँप रही थी गाय जी, तो वो पलार फेंक रही थी मुँह से, तो उनको बताया हमने कि क्या था वो, ज़्यादा गाय हाफे गर्मी में तो लार फेंके तो बॉडी में सोडियम और पोटाशियम दोनों की कमी हो जाती है, पानी ज़्यादा। सोडियम और पोटाशियम, हाँ जी, दोनों की कमी हो जाती है। तो सेंधा नमक उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, सेंधा नमक और दूसरा दोनों नमक 25-30 ग्राम मिला के आधा लीटर पानी में पिला दो तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपने देखा होगा कभी इंडियन टीम जैसे शारजा में खेलने जाती थी तो वहाँ जितने भी प्लेयर हैं तो उनको नमक की गोलियाँ देते हैं तो उनकी बॉडी में भी वो नमक की कमी हो जाती है। गाय में भी ऐसा ही है, जब ज़्यादा हाँफती है, मुँह से लार गिरती है तो बॉडी में सोडियम और पोटाशियम की कमी हो जाती है, उससे सेंधा नमक बहुत रामबाण का काम करता है। सेंधा नमक और दूसरा दोनों मिला के पिलाएंगे तो ये हाँफना कम कर देगी। एक बात हमने आपसे बताई थी पहले आपने हमसे पहली वीडियो में जी, टॉक्सिन बाइंडर के बारे में जी जी, तो वो यहाँ पर है कुछ टॉक्सिन बाइंडर? अगर इनकी गायों में खाती है और गोबर में आधा पचा हुआ अनाज ऐसे ही फीड, क्या होता है टॉक्सिन बाइंडर? टॉक्सिन बाइंडर अगर गाय की बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाता है, हिंदी में बताओ ना, आती नहीं अंग्रेजी, फंगस, उल्ली, हाँ, जिसको बोलते हैं उल्ली का, उल्ली जैसा खाना अगर, हाँ जी, उसमें फंगस आ गया, वो खाना ये खिलाएंगे तो लगातार खिलाते रहेंगे तो उसकी बॉडी में फंगस बढ़ जाएगी, उल्ली बढ़ जाएगी। वो आप केजरीवाल का उदाहरण दे रहे थे। हाँ जी, वो केजरीवाल का मैंने पहले भी आपकी वीडियो में उदाहरण दिया था कि वो केजरीवाल जी की खांसी ठीक नहीं हो रही थी और दिल्ली में इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो तो कोई दवाई उन पे काम नहीं कर रही थी, तो उनको बाद में यहाँ से ले जाके श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में लेके गए तो उनको जो उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइन किया गया, वो जो काढ़ा पिलाते हैं ना तो बॉडी में से वो पहले टॉक्सिन ही निकालते हैं, तो 5-6 दिन काढ़ा पिलाए, उनकी बॉडी में से टॉक्सिन निकला, फिर वो दवाई काम करती है। ऐसे ही गाय में भी है, अगर टॉक्सिन बढ़ जाएगा तो आप कितनी भी दवाई खिलाएंगे काम नहीं करेगी। श्री श्री रविशंकर वो तो मोदी जी के भक्त हैं। हाँ जी, चलो भगत तो किसी के जीवन को ठीक क्यों करेंगे, वो तो जो डॉक्टर होता है वो सबको ही ठीक करता है। ये नौजवान है मैसेज जी, ये यहाँ काम करने जा रहे हैं। हाँ जी, अब ये अगर किसी अपने साथ में कोई सहयोगी डेयरी फार्म और होगा पास पड़ोस, हाँ जी, हाँ जी, या दो लोग या तीन लोग मिल करके वो अभी अपनी वो लगा लें चक्की और उसमें सारा कुछ खुद पीस करके तैयार कर, खुद अपनी फीड बनाएंगे तो इनका सक्सेस रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दवाइयों का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर आएगा, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, गर्मी है नहीं, वैक्सीनेशन टाइम पे करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम कोई इशू थोड़ा बहुत होगा तो वो तो थोड़ी बहुत दवाई से, हल्की दवाई से ही ठीक हो जाएगा, बड़े बड़े एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक हमको इनके विचार बड़े अच्छे लगे, उसके लिए आप क्या कहोगे? ये कहते हैं कि हमसे बाहर जाने के लिए बात चल रही थी तो हमने कहा कि करना तो यहीं पे करना है। बहुत अच्छा इनका टूरिस्ट प्लेस है, सभी यहाँ घूमने आते हैं, पटनी टॉप यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, तो सभी लोग यहाँ से गर्मियों में पूरी यहाँ घूमने आते हैं, तो यहाँ दूध का रेट भी इनको अच्छा मिलेगा, टूरिस्ट प्लेस है, 2-4-5 रुपये कोई नहीं देखता अच्छी चीज़ के, हर कोई ज़्यादा अच्छा, पैसे मिलते हैं। हमको एक लास्ट में बात बता दो कि यहाँ पर हरियाली बहुत है जी, जी पेड़ बहुत है, बहुत है, तो उनकी फीडिंग में ये काम चीज़ आएंगी? ये वाली चीज़ इसमें फीड में नहीं आती है काम, यहाँ तो सेब का पेड़ है, हाँ। या दूसरे हैं, तो हमने देखा वो पत्ते ही ये खिलाते हैं वहाँ पर। हम हिमाचल में गए तो देखा कि वो राजस्थान में गए, पलास के पत्ते चलते हैं, पलास के पत्ते। कुछ एक पौधा आता है वो राजस्थान में भी था, उदयपुर में, हाँ। तो उसके पत्ते ही सब लोग खिलाते हैं। ऐसा है ना, इसका पत्तों का न्यूट्रिशन वैल्यू देखना पड़ेगा क्या है। अच्छा। अगर गाय में तो मकई ज़्यादा चलती है, मकई से दूध आता है, उसकी जो गाय की बॉडी है प्रोटीन उसको मिलेगा तो दूध प्रॉपर आएगा। अभी इस पत्तों की ये गाय है, बकरी नहीं है, इससे पूर्ति नहीं होगी ना, इससे पूर्ति नहीं होगी ये पत्तों से। आपको प्रॉपर डेयरी फार्मिंग करना है तो उसके लिए साइलेज है, मकई का चारा है, वही देना पड़ेगा ये पत्तों से। जानकारी दी है, चलते चलते एक संदेश और दे जाओ जी नौजवानों के लिए, तो अगर ये धंधा करते हैं जी तो यहाँ पर कितनी उम्मीद है सफलता की?
यहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं उनके लिए जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि इधर गर्मी का पीरियड है ही नहीं, मतलब 15-20 दिन या एक महीना है बस, ज़्यादा तो है नहीं। तो गाय HF गाय को गर्मी ही ज़्यादा परेशान करती है, दूसरा 7-8 महीने गर्मी के नहीं है तो उसका प्रोडक्शन बिल्कुल परफेक्ट रहता है, और गर्मी नहीं रहेगी तो ये इसको चिचड़ भी कम होंगे, और जानलेवा रोग मतलब जो चिचड़ है ना, सभी बीमारियों की मूल जड़ वो चिचड़ ही है, तो वो होंगे नहीं, बीमारियां आएंगी नहीं, प्रोडक्शन प्रॉपर रहेगा, प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकुश जी। जी वो इन्होंने तो बता दिया भविष्य जी, तो आप वह आपके सहयोगियों का भविष्य बता दो कि वो उनका क्या भविष्य होगा अगर ये उनसे खरीद के लाएंगे, जो 80,000 की कह के 1,80,000 की बेच देते हैं। देखिए सर, आपके मित्र भी हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है कि कौन कितना मार्जिन लेके बेच रहा है। कई झूठ बोल देते हैं कि ये 30 देगी 40 देगी और 60-65 हज़ार की दे देते हैं, 60-65 हज़ार की 20 लीटर वाली मिलती है, कभी 30 लीटर वाली नहीं मिलती है। मतलब कि वो लोगों को एक्साइटमेंट करते हैं कि अपनी तरफ खींचते हैं कम रेट बता के, बाद में उनके साथ गलत करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कि मतलब कि अगर हमारे साथ यंगस्टर जुड़ रहे हैं तो उनको पूरा सहयोग देना चाहिए, साफ सुथरा व्यापार करें। और मैं यंगस्टर को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप इस कारोबार में अगर घुस रहे हैं तो इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए, कि धैर्य का काम है, कि धीरज रखिए इस काम में। गायें बहुत रूप दिखाती है, हम आए गर्मी से आए तो तुरंत सर्दी में आ गए हैं, तो हमारे को भी जाके खांसी जुकाम हो सकता है। इसी प्रकार गायों में कि वो आते ही बुखार भी हो सकता है, स्ट्रेस में भी आ सकती है, ट्रैवलिंग करके आती है, तो हर एक चीज़ का इलाज होता है, हमारे को उस चीज़ का इलाज करना चाहिए, तो गायों का ध्यान रखना चाहिए। जो इसमें रिज़ल्ट मिलता है हमारे को 2 साल बाद मिलता है, कोई भी नया कारोबार करते हैं 2-3 साल का हमारे अंदर पूरा धैर्य होना चाहिए कि 2-3 साल टिक के इसको देखिए, पढ़िए, सीखिए, उतनी गाय लीजिए स्टार्टिंग में। कि हम बार बार यही बोलते हैं कि अगर आपने 25-30 गायों का कर रहे हैं, 5 से स्टार्ट करिए, उस पर सीखिए क्या गाय कर रही है क्या नहीं कर रही है, फिर धीरे धीरे आगे रिस्क लीजिए, अपने आप ही करते करते बहुत कुछ सीख जाता है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।